आज के इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझा दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है। तो पौधे जो होते हैं जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा यानी कि मिट्टी सॉइल से अवशोषित करते हैं। हमें पता ही है जैसा कि जो पौधे होते हैं वो केवल जल का 1% भाग ही अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम सोचते हैं कि जितना भी हम पानी पौधों में डालते हैं वो सभी भागों में चला जाता है और यूज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पानी अब्सॉर्ब होता है वो केवल 1% ही पौधे अपनी यूज में लाते हैं, और जो 99% पानी होता है वो इस वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिड्यूस हो जाता है, निकल जाता है। जल के बचे शेष भाग को वायव्य भागों, जैसे मैंने बताया स्टोमेटा, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं से जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। पौधों के वायव्य भागों से जल की जो हानि होती है उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है वो हर समय होता रहता है, यानी कि दिन में भी और रात में भी, लेकिन इसकी जो दर है यानी कि एक जो सीमा है वो समान नहीं रहती, यानी कि जो दर है इसकी समान नहीं रहती। दिन में अधिक होता है जब सूर्य का प्रकाश होता है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो अधिक होगी, और रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होगी वो कम होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है अधिकतम पत्तियों से ही होती है, जहाँ पर स्टोमेटा की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो पत्तियों में ही पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार है वो निम्न है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट ही जो प्रकार है वो लिखे हुए यहाँ पर, जैसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्र यानी कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। यह क्रिया पत्तियों पर पाए जाते हैं जाने वाले रंध्र यानी कि छिद्र द्वारा ही होती है। वाष्पोत्सर्जन का यह भाग लगभग 90% रंध्र द्वारा होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पत्तियों पर छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा 90% जल बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यह समझते हैं। यह क्रिया जो होती है पत्ती तथा तने दोनों की सतह पर पाए जाने वाले क्यूटिकल यानी कि छिद्र द्वारा होती है, यानी कि इसकी त्वचा द्वारा होती है, यह 10% होती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, वातावरणीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, यह जो क्रिया होती है यह तने पर पाए जाने वाले वात रंध्रीय जो लेंटिकल्स होते हैं उनके द्वारा होती है, ये बहुत कम होती है, यानी कि जो तनों पर होती है वो छिद्र की मात्रा कम पाई जाती है और ये बहुत कम होती है, केवल 1% होती है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है किस तरह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जिस तरह से पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी जल की हानि होती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल समझना है, यानी कि मैं इसका प्रैक्टिकल भी एक अलग से प्लांट पर करके दिखाऊंगी, अगर आपको समझना है तो प्लीज कमेंट्स में यस एंड नो लिखकर जरूर भेजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।